हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज बालों में मेहंदी लगाएंगे तो बताएंगे मेहंदी कैसे लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, तो बालों में मैंने अमीना मेहंदी खोला है। आपके यहाँ जौन सी मेहंदी मिलती है, नुपुर, हिना, जो भी मेहंदी मिलती है ग्रीन वाली, तो आप उसको लगा सकते हैं। तो मैं कभी भी घोल के मेहंदी नहीं रखती हूँ, मेरी एक आदत बहुत अच्छी है। मैं मेहंदी को चाय पत्ती के पानी से उबाल लेती हूँ और उबालने के बाद ही थोड़ा सा ठंडा या फिर ठंडा नहीं करना हो बट मैं हल्का सा ठंडा करती हूँ और गुनगुने ही पानी से मैं मेहंदी को फुला देती हूँ। और फुलाने के बाद 10 मिनट तक बहुत अच्छे से घोलती हूँ। उसके बाद मैं अपने बालों में लगाना चालू कर देती हूँ। 3 से 4 घंटे तक बालों में लगा रहने देती हूँ। बाल बहुत ही सिल्की और शाइनिंग हो जाते हैं। तो ये देखिए, अभी मैं एक एक परत करके ले रही हूँ, तो धीरे धीरे करके अपने पूरे बालों में अच्छी तरह से लगा लूँगी। और ये कलर बहुत ही अच्छा देता है अमीना मेहंदी। तो अगर आपके बाल ज़्यादा हैं तो आपने बालों के हिसाब से मेहंदी लीजिएगा। मैं समथिंग 1.5 कटोरी मेहंदी ली हूँ क्योंकि मेरे बाल छोटे छोटे हैं, फिर मैं बाल कटा लेती हूँ। मैं ज़्यादा बाल लंबे नहीं रखती तो कटा लेती हूँ। तो ये देखिए, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप छोटा छोटा ये गोल राउंड सर्कल बना के अच्छी तरह से लगा लीजिए। इससे मेहंदी बहुत अच्छी बालों में लगती है और ना पूरे बाल फैलते हैं ना मेहंदी नीचे गिरती है। तो आप अच्छे से अपने बालों में लगा लीजिए। मेहंदी अपने बालों को कंडीशनर भी करता है। आप चाहें तो इसमें नींबू मिला सकते हैं, नींबू से बहुत अच्छी शाइनिंग आता है और अंडा से स्मूथ होता है बहुत अच्छा। तो आप अंडा भी मिला सकते हैं और नींबू भी, बट मैं कुछ भी नहीं मिलाती हूँ क्योंकि अमीना मेहंदी में सभी की कुछ मिला रहता है ऑलरेडी, इसलिए बस आप इसको लगा के रखिए 2 से 3 घंटे तक। अगर आपको कंडीशनर के लिए लगाना कि शाइनिंग रहे तो आप मेहंदी सिर्फ 1 घंटा लगा के रखिए। अगर आप कलर के लिए लगा रहे हैं तो मेहंदी 3 से 4 घंटे। तो ये देखिए, मेहंदी मेरी लग के कट के कम्प्लीट हो गई। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए बाल में मेहंदी लगाए थे, तो ये देखिए बाल कितने अच्छे से सिल्की सिल्की हो गए हैं। तो बताइए कैसे लग रहे हैं बाल। तो आज मेहंदी जब डाले थे तो देखिए बाल कितने अच्छे सिल्की सिल्की आए हैं। साउथ की मूवी चल रही है, बहुत ही अच्छी है। और घर में बड़ी मम्मी आई हैं और मम्मी और ये मामा जी की बहू हैं। तो जो लाल कलर की साड़ी पहनी है वो मेरी बड़ी मम्मी है, जो क्रीम कलर की पहनी है वो मेरी मम्मी है। और ये देखिए कछुआ, मैं कछुए भी पाली हूँ, मछली भी। और जो ब्लैक और रेड में पहनी वो भाभी हैं। और ये देखो कोको मछली क्या चल रहा है। नींद आवल लगता का नींद आवल लाग जब वहाँ आई ले तला 4 बजे उठा दिए रहे हम 4 बजे की उठे आ जाए 4 बजे जो हम जा गए थे तो मैं भरे पंगे तो सोई थी। आज कचड़ा वाली गाड़ी भी बड़ी जल्दी आई रही, 6:15 बजे इतने दिन बाद। हाँ जब भाई हम उठे रहे, बाप रे हम सोई के उठे रहे। कोको मम्मी लोग को जाने दोगे? अरे हम पकड़ा भाई, ओका भगावे की हमको छोड़ी है कि हमको भगा दे है। लगावा था का छोड़ी कहीं तह कहीं नहीं भाभी, दिवाली में हम अब तो फिर आ जाना वहाँ रुकने के लिए। तो हम कह हमारे सपूत तो कहीं खेली हो के सल्लिया के साथ ऐसे ले।
बोला इनसे का देखा ही आ रहे हैं ढंग ये ढंगने से आए हैं, मतलब ढंगने से आई हैं। मम्मी के पास रुकी हैं, ढंगने से आई हैं तो रुकी हैं। साढ़े चार हाँ, मम्मी लोग ऐसे के पापा का नहीं लेके आए ना। मम्मी कह रही सुबह तो बर्तन धो भर रही कि दोपहर में धो भर रही पता नहीं, स्वेटर आए सुबह धो भर रही लागत है। छाया के हाँ नहीं खाना, लात नहीं मारना को गेट में ले। बिस्किट चाहिए, बिस्किट चाहिए। कटनी से चली आई, जेवे सिपुरा सोचे पहुंच रही है पेट्रोल पंप सिपुरा में, मोय सजे पहुंचे बाइक ऑन बाइक मर रही है मासर वाले के एक से कहां ठीक नहीं के ठोका लगा दुआ गिर गई गाड़ी ना से घसी गई चोट नहीं लगा करता गाड़ी फिर अब बाद तुरंत चोट से ले आवे। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। चलिए शाम हो गई और बनाते कुंदरू की सब्जी। तो ये देखिए कुंदरू लेके आई हूँ, धो के लाई हूँ। चलिए कुंदरू की सब्जी बनाते हैं, थोड़ी टीवी चालू कर लेते हैं। तो सामने टीवी भी चालू कर लेते हैं, कुंदरू की सब्जी बनाते हैं। और कुंदरू की सब्जी मस्त सूखी बनाऊँगी। क्या लगाएं क्या लगाएं, टीवी चालू कर ले फिर सब्जी काटते हैं। और आप लोग सब कैसे हो जरूर बताइएगा। तो आप लोग कुंदरू की सब्जी कैसे बनाते हो और कैसा चल रहा है आजकल। बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही, कल आई थी, बहुत दिनों बाद आई हूँ। तो चलिए टीवी चालू कर लिए हैं, आप कुंदरू की सब्जी काट लेते हैं। आप लोग कैसे काटते हो, मैं लंबा लंबा कैसे काट देती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए कुंदरू ऐसे लंबे लंबे काट लेते हैं, ऐसे लंबे। इसको बीच से एक बार और काट देते हैं। कुंदरू कच्ची भी बहुत अच्छी लगती है, कच्ची भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। कुंदरू बना लेते हैं। और घर में आज मेरी मम्मी आई थी, बड़ी मम्मी आई थी, और मामा की बहू भी आई थी, और मेरी बड़े पापा जी की लड़की भी आई थी, मतलब मेरी बड़ी वाली सबसे बड़ी वाली बहन भी आई थी। तो सभी लोग आना जाना बना था, तो सब चले गए हैं। अब बारिश हो रही थी, तो देखिए अब सब्जी को ऐसे लंबे लंबा काट लेते हैं अच्छे से, सभी को अच्छे से पतला पतला काट लेंगे। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। आप सभी ब्लॉग में क्या देखना चाहते हो ये भी बताइएगा। तो ये देखिए कुंदरू मेरे कट के तैयार हो गई है, और इसमें एक आलू डाला है मैंने, वो आलू भी काट लिया है। कुंदरू को ऐसे लंबे लंबे। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए कुंदरू कट गई है, लहसुन प्याज कट गया है, मेरा सब कट गया है। चलिए कुंदरू की सब्जी बना लेते हैं। कुंदरू की सब्जी तली हुई बहुत अच्छी लगती है, तो कुंदरू की सब्जी को तल लेते हैं और सरसों के तेल में बनाइए, बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए गैस चालू कर दिया है, थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं। थोड़ी सी सूखी सब्जी बनाते हैं। और देखिए इतने सारे बर्तन हैं जमाने के लिए, दीदी धो के चली गई हैं, तो पूरे बर्तन मुझे जमाना है, तो थोड़ी देर से जमाते हैं। तो बर्तन भी जमाना है, बहुत सारे, जब तक करिए गर्म होती है। तो चलिए ये देखिए मेरे बर्तन जम गए हैं, थोड़े से और बचे हैं तो उनको और जमा लेते हैं। अब चम्मच को डाल देती हूँ काउंटर में, और मेरा तेल भी हो गया है। तो
ये देखिए मेरा तेल भी हो गया है, जल्दी सब सब्जी बना लेते हैं। ये देखिए राय डालिए, थोड़ी सी मेथी, मेथी डालने के बाद मिर्ची और लहसुन डाल दिए, हेलो फ्रेंड। तो ये देखिए कुंदरू और आलू हमने इसमें डाल दिया है और इसको तेज फ्लेम में ही अच्छे से पकाएंगे, तेज फ्लेम में ही, क्योंकि कुंदरू को आप सौ धीरा करके पकाएंगे तो वो गलने लगेगी, इसलिए आप उसको तेज करके ही अच्छे से पकाइए कुंदरू को। इसमें सभी चीज़ हमने डाल दिया था अच्छे से, और आप लोग को कुंदरू कैसे लगती है ज़रूर बताइएगा, और कुंदरू को आपके यहाँ क्या कहते हैं। मेरे यहाँ इसको कुंदरू ही कहते हैं, बट आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइए। गांव में ये तो बिल्कुल कहीं भी आप लगा देंगे तो गांव में अपने आप हो जाती है ये, बट इस साइड बहुत महंगी ही मिलती है, बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। कुंदरू में मसाला डाल देते हैं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। मसाला को सिर्फ 2 मिनट पकने दीजिए, उसमें डाल दीजिए नमक। आप नमक का टमाटर यूज करते हैं तो टमाटर से बात भी कर सकते हैं, और टमाटर से पहले भी नमक का यूज कर सकते हैं आप। तो ये देखिए मेरी कुंदरू की सब्जी, कंप्लीट हो रही है। तेज फ्लेम में पकाइएगा, जब ये बहुत ही अच्छी बनेगी, तेज फ्लेम में बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि एक एक कली अच्छे से तल जाती है, इसलिए। चलिए अब डाल देते हैं टमाटर। तो ये देखिए मेरी कुंदरू की सब्जी बनके तैयार हो गई है, अच्छे से तल गई है, कैसी लग रही है। तो ये मेरी कुंदरू की सब्जी बनके तैयार हो गई।